बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिक्योर चैन के विड्रावल के बारे में, और इसकी यहाँ पे लिस्टिंग भी होने जा रही है। सारी डिटेल इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपने अभी तक इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन नहीं किया तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लिंक पे क्लिक करके इसको इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करने का तरीका नहीं है तो आता तो आप मेरी जो है प्राइवेट वीडियो उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पर देखें तो मार्क योर कैलेंडर फॉर February 29, 2024 ए स्काई इज सेट टू बी लिस्टेड ऑन ला टोकन। ला टोकन जो है यहाँ पे एक एक्सचेंज है जो कि तकरीबन बड़ी तकरीबन 30 से 35 एक्सचेंज में इसका नाम आता है। तो इस पे ये लिस्टिंग करने जा रहे हैं 29 February को, ठीक है। यहाँ पे देखें डिस्टिनेशन माइलस्टोन ओपन न्यू एवेन्स और स्काई रीच एंड लिक्विडिटी, मतलब है कि इनका जो लिक्विडिटी है, जो लिक्विडिटी फंड होता है, फंड को बोलते हैं, इन्होंने फंड उसमें ऐड कर दिया है। गेट रेडी टू ट्रेड एंड इंगेज विद स्काई ऑन ला टोकन ए रिन्यूड प्लेटफॉर्म नाउ फॉर इट्स रिवर्स ट्रेडिंग। मतलब इसकी ट्रेडिंग जो है तकरीबन 29 February को स्टार्ट हो जाएगी ला टोकन एक्सचेंज पे। तो अभी आपने क्या करना है, अभी आपने अपने टोकन माइन करने हैं, अपने पास अपने टोकन रखने हैं। जैसे इसकी लिस्टिंग होगी फिर हम यहाँ से उधर भी ट्रांसफ़र करेंगे। इसके जो है यहाँ पे अगर कंट्रैक्ट एड्रेस की बात करें तो इसके दो कंट्रैक्ट एड्रेस हैं, और ये तकरीबन दो ब्लॉक चैन, इनका जो कंट्रैक्ट एड्रेस है वो दो ब्लॉक चैन पे लिस्टेड है। एक तो BSC एंड दूसरा है ETH, मतलब कि इथेरियम एंड बायनांस स्मार्ट चैन। तो याद रहे कि जो सिक्योर चैन AI है ये एक ख़ुद की ब्लॉक चैन है, और जो इसका स्काई SCAI जो इसका टोकन है ये इनकी ब्लॉक चैन का टोकन होगा, जो कि आने वाले दिनों में आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। अभी हाल ही में इनका यहाँ पर आया है कि इनका जो है यहाँ पे लॉन्च पैड भी यहाँ पे इनका जो है स्टार्ट होने वाला है 5 February को। लॉन्च पैड में क्या होता है, जैसे आपको पता है कि लॉन्च पैड में तकरीबन एक मंथ का टाइम होता है या फिर 20-25 दिन का टाइम होता है, जिसमें आपको टाइम दिया जाता है अर्ली में बाय करने का। मतलब कि आप वहाँ पे स्टेकिंग करते हो अपने USDT या फिर अपने BNB या जो भी टोकन होता है एक्सचेंज का, उनको स्टेक करते हो, उसके बदले में आपको यहाँ पे SC जो इसका जो टोकन है AI का ये दिया जाएगा, ठीक है। इसके बदले ये दिया जाएगा फ्री में, फिर आप वहाँ से भी अपनी अर्निंग बना सकते हो और अर्ली में भी बाय करके ज़्यादा प्राइस में भी बेच सकते हो। तो अभी हम जाते हैं इसके ऐड करने के कंट्रैक्ट एड्रेस आपको कहाँ मिलेगा, तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में कंट्रैक्ट एड्रेस दूंगा। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके हमारा जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम इसको अभी जाते हैं यहाँ पे अपना कोइन मार्केट कैप पे, और यहाँ पे देखते हैं इसकी प्राइस को। यहाँ पे मैं चला जाता हूँ कोइन मार्केट कैप पे, और यहाँ पे अगर इसकी प्राइस की बात करें तो आपको याद दिलाता चलूँ कि ये पैनकेक स्वैप वर्जन 2 पे जो है अभी तक जो है थोड़ी बहुत लिक्विडिटी की ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आप इसको स्वैप वगैरह नहीं कर पाएंगे। इसकी सिक्योरिटी वगैरह की बात करें तो अभी यहाँ पे इसकी ऑडिट वगैरह जो है इसका स्टार्ट हुआ था, और इनका ऑडिट भी कम्प्लीट हो चुका है, और ये टोकन जो है 29 February को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको दे के जाएगा। आपने ज्वाइन इसको लाजमी करना है। यहाँ पे देखें तो BNB स्मार्ट चैन पैनकेक स्वैप वर्जन 2 BSC स्काई, और यहाँ पे देखें तो दिस पेज हैज़ बीन क्रिएटेड ऑटोमेटिकली यूजिंग ऑन चैन डेटा एंड कंटेंट अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन प्लीज डे और। मतलब कि ये अभी जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हम जो इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो मतलब कि ऑटोमेटिकली यूजिंग ऑन चैन डेटा के ज़रिए दे रहे हैं, मतलब कि अभी ये जो है वेरीफाइड नहीं है, ठीक है। मतलब कि ये 29 डेट तक जो है ये जैसे इसकी लिस्टिंग होगी तो सब कुछ इसका वेरीफाइड हो जाएगा। अभी इसकी प्राइस की अगर बात करें तो यहाँ पे इसकी प्राइस काफ़ी कम दिखा रहा है, लेकिन जब ये लिस्ट होगा तो इसकी काफ़ी अच्छी प्राइस आपको देखने को मिलेगी। तो अभी इसका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कैसे ऐड करना है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ऐड करने के लिए आपके पास ट्रस्ट वॉलेट या फिर मेटामास्क या जो भी है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं ट्रस्ट वॉलेट को अपने को ओपन कर दे, तो यहाँ ट्रस्ट वॉलेट को ओपन किया, यहाँ पे मैं इसको ओपन कर देता हूँ। एंड देन इसके बाद हम करते हैं यहाँ पे ऊपर प्लस पे क्लिक, एंड प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोबारा प्लस पे क्लिक करते हैं, एंड इसके बाद यहाँ पे देखिए तो इथेरियम शो करवा रहे हैं हमें, ठीक है। आपने यहाँ पे इथेरियम को हटा के यहाँ पे BNB सेलेक्ट करना है, एंड यहाँ पे करना है पेस्ट। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे देखें तो सिक्योर चेन AI यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर हम करेंगे इम्पोर्ट पे क्लिक। जैसे हम इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इसका डेटा आ गया। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको करना है कॉपी, रिसीव वाली जगह पे हम इसको करेंगे क्लिक,
यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड इसके बाद यहाँ पे करेंगे कॉपी। जैसे हम कॉपी करेंगे इसके बाद जाएंगे अपनी ऐप्स में, ठीक है। यहाँ पे हम ऐप्स को ओपन कर देते हैं अपनी स्क्वेयर चेन वाली को। ठीक हो गया, हमारे पास ये हो गई। इसके बाद है हमारे पास वॉलेट, यहाँ पे हम वॉलेट पे क्लिक करेंगे एंड वॉलेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें तो हमारा वॉलेट में तकरीबन इतने पड़े। अगर हम इसको विड्रावल करते हैं, यहाँ पे हम विड्रावल पे क्लिक करेंगे, प्लीज़ इंटर योर वॉलेट एड्रेस एंड अमाउंट टू योर फंड टू एक्सटर्नल वॉलेट। मतलब कि जो हमारा ट्रस्ट वॉलेट होता है या फिर मेटामास्क वॉलेट होता है वो हमारा एक्सटर्नल होता है, मतलब कि किसी एक्सचेंज का नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे अपना एड्रेस। एड्रेस के बाद यहाँ पे मैं डालता हूँ 90, यहाँ पे मैं टोकन डाल देता हूँ और यहाँ पे अगर सेंड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे द कैंडी परफॉर्म माइनिंग फॉर ए मिनिमम ऑफ 1 मंथ बिफॉर इंटर ए विड्रावल। मतलब कि अगर आपको 1 मंथ हो गया है माइनिंग का, जब तक आप 1 मंथ माइनिंग कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको विड्रावल यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, फिर आप उसको ट्रस्ट वॉलेट या फिर मेटामास्क में ले पाओगे। इसके लिए शर्त है कि आपको मिनिमम जो है आप 1 मंथ तक माइनिंग आपको करनी पड़ेगी। एंड उसके बाद यहाँ पे अगर स्टेकिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हम स्टेक पर आते हैं, ठीक है। स्टेक पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप स्टेक पर भी लगा सकते हो, मतलब कि 1 मंथ स्टेक करते हो तो तकरीबन आपको 15% मिलेगा, 25%, 1 ईयर के लिए 45%, मतलब कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्टेकिंग प्रोग्राम भी है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगा, अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं 1 मंथ का, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि आप फ़िलहाल इसकी स्टेकिंग ना लगें। आप जितने ज़्यादा हो सकते हैं आप अपने रेफ़र बनें, जितने ज़्यादा रेफ़र होंगे उतने ज़्यादा आपके पास टोकन होंगे और जितने ज़्यादा टोकन होंगे उतने ज़्यादा आपके पास USDT बनेंगे। यहाँ पे रेफर का प्रोग्राम जो है काफ़ी सिंपल है, तो यहाँ पे कॉपी कोड कर सकते हो, कॉपी वॉलेट ये सारा कुछ करके आप अपने रेफर बना सकते हो। और यहाँ पे देखें तो नीचे अगर आपने इनका यहाँ पे ट्विटर और यहाँ पे टेलीग्राम और ये चीज़ें ज्वाइन नहीं की तो इनको भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आने वाली न्यू हर अपडेट आपको वहाँ पर मिलती रहती है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह।